यार तुमसे एक बात कहनी थी, किसी को बताना मत। ये जो मशीन तुम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका नाम जेसीबी नहीं है। और क्या तुम जानते हो कि जो दुनिया की सबसे महंगी कॉफी आती है वो पूप से निकाली जाती है। हाँ, पूप से। और तुमने इंद्र के बारे में तो सुना ही होगा, ये कैसे वो एक देवता है जो कि बारिश करवाते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि यार दुबई वालों ने करा दी आर्टिफिशियल बारिश। हाँ, और अगर ये सब बातें सुन के तुम्हारे अंदर की जिज्ञासा फट के बाहर आना चाहती है तो माइंड ब्लास्टिंग फैक्ट्स के एपिसोड नंबर 7 को दौड़ाते हैं। इनको तो तुम जानते ही होगे, लियोनार्डो डी कैप्रियो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इनका नाम लियोनार्डो कैसे पड़ा? तो बात ये है कि जब ये अपनी माँ के पेट में थे, कि इन्होंने जब पहली बारी किक किया था, तो इनकी जो माता सिंह है वो लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग देख रही थी उफिजी म्यूजियम फ्लोरेंस इटली में, और पहली बार तब इन्होंने उसी वक्त किक किया था। तुम नहीं समझोगे बेटा कि वो फीलिंग क्या होती है जब पहली बारी बच्चा लात मारता है, और माफ करना मैं ये समझाने में भी असमर्थ हूँ। लाइट बल्ब्स जो कि काफी जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जो दुनिया का सबसे ज्यादा लंबे समय तक जलने वाला लाइट बल्ब है वो करीब 120 सालों से वैसे का वैसे जल रहा है, और इसका नाम है लिवरमोर सेनेटेनियल लाइट बल्ब, जिसको करीब 1901 में इंस्टॉल किया गया था, और 1901 से लेके आज 2021 है अभी तक, मतलब करीब 120 साल से ये जल रहा है, और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बर्निंग बल्ब का खिताब भी मिल चुका है। इस नोट को देखो, इस नोट में तुम देख सकते हो कि गांधी जी की एक फोटो लगी है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में सवाल उठता होगा कि यार इस फोटो को लिया कहां से गया है। तो इस फोटो को देखो, इस फोटो में तुम देख सकते हो कि गांधी जी लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस के बगल में खड़े हैं, और इस पिक को 1947 में लिया गया था। तो हाँ, हमारी जो नोटों में फोटो होती है वो यहीं से उठा के छाप दी गई है। हमारे इंडिया में ट्रेनें काफी लेट होती हैं, कई बारी तो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक ट्रेनें रुकी ही रहती हैं, और कई बारी इतना ही लेट भी हो जाती हैं। लेकिन एक बारी जापान में केवल 35 सेकंड्स के लिए एक ट्रेन लेट हो गई थी, जिसकी वजह से जो ड्राइवर था उसने सबसे माफी मांगी थी, और जो सेंट्रल जापान रेलवे है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो जापान में ट्रेनों को ऑर्गेनाइज करती है, और उसने सारे पैसेंजर्स के जो टिकट के पैसे हैं उनको वापस कर दिया था। मतलब ये होता है डिसिप्लिन, मतलब वहां पे अगर टाइम पे आना है तो मतलब टाइम पे आना है। इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर में देख सकते हो कि मार्क जकरबर्ग हैं, और साथ में आप उनका लैपटॉप भी देख सकते हो। लेकिन अगर आप लैपटॉप पे ध्यान से देखो तो आप देख सकते हो कि मार्क जकरबर्ग ने अपने लैपटॉप के कैमरे और माइक पे टेप्स लगा रखे हैं। मतलब उनको खुद ही विश्वास नहीं है यार कि उनका कोई माइक और कैमरा हैक कर सकता है। आपने सैटेलाइट व्यूज तो कभी ना कभी देखे ही होंगे, गूगल मैप पे देखा होगा काफी ज्यादा। लेकिन इस पिक्चर को देखो, ये लियोनार्डो दा विंची के द्वारा 1502 में बनाई गई एक पिक्चर है, और इसमें आप देख सकते हो कि उन्होंने एक इटालियन सिटी का पूरा मैप ही, एक सैटेलाइट मैप पूरा एक इटालियन सिटी का केवल रूलर और प्रोटेक्टर से बना दिया है। भाप, स्टीम, जिसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। आपने कई बार सुना भी होगा कि स्टीम की वजह से कुकर फट जाते हैं, और स्टीम इंजन ही वो पहला इंजन था जो कि हमारे रेल पटरियों पे दौड़ा था। लेकिन इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि क्या होता है जब एक स्टीम लोकोमोटिव्स एक्सप्लोड करता है, मतलब इतना खतरनाक तरीके से, और ऐसे ही कुछ कुकर भी फटता है। नहीं, हाँ, दुबई में साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल रेन कराई है। हाँ, आर्टिफिशियल रेन, और वो भी एक क्लाउड सीडिंग नाम के प्रोसेस के जरिए। इसमें क्या होता है कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस को हवा में हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन्स के जरिए छोड़ दिया जाता है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये वाटर वेपर को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और फिर बादल का फॉर्मेशन करते हैं, और आखिरकार बारिश करवा देते हैं। मतलब यार आर्टिफिशियली रेन। क्या आप जानते हो कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफी कौन सी है? तो उसका नाम है कॉफी लुआक, और हाँ, इसको सीवेट कैट के पूप से निकाला जाता है। सीवेट कैट इन कॉफी बीन्स को खाती है,
इनको डाइजेस्ट करती है और फिर इनको पूप के फॉर्म में प्रोड्यूस कर देती है, और फिर उस पूप से इन बीन्स को निकाल लिया जाता है, इनको प्रोसेस किया जाता है और इस तरीके से बनती है दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी। और ये कितनी महंगी है तो मैं आपको बता दूं कि करीब एक कप $35 से लेके $100 तक बिकता है, मतलब करीब 3500 रुपए से लेके 7000 रुपए तक एक कप। भाई साहब, कॉफी कहाँ से निकल रही है और महंगा कितना है यार। ये जो आप देख रहे हो इसका नाम जेसीबी नहीं है, हाँ इसका नाम है बैकहोल लोडर। और जो जेसीबी है वो इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है और जिसका फुल फॉर्म होता है जोसेफ क्रिल बैमफोर्ड एक्सकेवेटर्स लिमिटेड। मतलब जेसीबी जेसीबी जिसको चिल्लाते हो उसका असल नाम है बैकहोल लोडर, जेसीबी नहीं है, वो उसकी कंपनी का नाम है जो उसको मैन्युफैक्चर करती है। अब लास्ट चीज, वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दो प्लीज सर, प्लीज कर दीजिए सर।